वो आसानी से मेकअप कर लें। जी हाँ, एक बात और, जब आप पूरा पूजा या सेवा कर लें उसके बाद ठाकुर जी को वापस कहिए जय श्री कृष्ण राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों का मेरे चैनल जोगन मीरा में फिर से स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलो। तो आज हम सीखने वाले हैं ठाकुर जी का मेकअप और इन प्रभु का मेकअप कैसे करना है। और ये है आज हमारी पोशाक और श्रृंगार जो ठाकुर जी आज धारण करने वाले हैं, इसी का मैचिंग हम मेकअप करेंगे। मेकअप किससे करना है नहीं करना है वो सब मैं बताऊंगी आपको। और अपन पेंट से नहीं करेंगे क्योंकि प्रभु को कष्ट होता है, श्रम पड़ता है पेंट से, और हम उनके चेहरे पे या उनके शरीर पे ये यूज़ नहीं करेंगे। क्या यूज़ करेंगे मेकअप के लिए वो भी मैं बताऊँगी। तो आप देख सकते हैं अभी ये पूरे क्लीन है, कुछ भी इनके मुखारविंद पे कहीं पे नहीं लगा हुआ है। तो इस ड्रेस का मैचिंग अपन देखते हैं, तो हम वाइट और पिंक का श्रृंगार करेंगे, मेकअप करेंगे। तो कृष्ण भक्तों, ये है कुमकुम बिंदी, ये है अपन का लाइनर जो हम यूज़ करने वाले हैं प्रभु के, और ये इजीली निकल जाता है। और साथ में ये है वाइट का, जिसका मैं हमेशा ठाकुर जी के मुखारविंद पे यूज़ करती हूँ, और ये लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो इससे आज हम श्रृंगार करेंगे। देखिए ये पूरा पिंक और मोती का है, तो आज हम पिंक वाइट का श्रृंगार करेंगे। तो ध्यान रखें कि जैसे प्रभु को श्रम पड़ता है, तो जब भी आप ठाकुर जी को कुछ भी धारण करवाएं या कुछ भी श्रृंगार करें, तो सबसे पहले ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ के ये बोलें आप कि ठाकुर जी आप हमारे अंदर समा जाइए, उसके बाद में ही आप ठाकुर जी का श्रृंगार करें। ये क्यों बोलते हैं इसको मैं कभी आप अलग वीडियो में बताऊंगी, लेकिन यही बोल के आप ठाकुर जी का श्रृंगार करें और इससे ठाकुर जी को श्रम नहीं पड़ेगा। चलिए सबसे पहले अपन इससे श्रृंगार करते हैं। चलिए तो कृष्ण भक्तों, ये लाइनर है, मैं एक बार और दिखा देती हूँ, इससे हम करेंगे। हमेशा पतला ही बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम आँखों का करेंगे, तो ये देखिए ये है एक लाइन, अपन को ऐसे करनी है। पहले अपन काजल लगाएंगे, ये देखिए ये हमने काजल लगाया है, और एक पतली लाइन इनके ऊपर करेंगे, देखिए, और ये देखिए ये ऐसे। आपको अभी से ही ठाकुर जी के मुखारविंद में फ़र्क आने दिख जाएगा। बहुत नॉर्मल श्रृंगार करेंगे अपन, ज़्यादा भरेंगे भी नहीं, काला काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे प्रभु के, और सेम ऐसे ऊपर से ऐसे लगाएंगे। तो कितने सुंदर लग रहे हैं प्रभु, और एक ही लाइन में बहुत ही फ़र्क पड़ गया है। और नीचे हल्की सी एक अपन लाइन करेंगे ठाकुर जी के, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं एक ही बार में ठाकुर जी के कितना फ़र्क आ गया मुखारविंद पे। पतला काजल, ये आप देख सकते हैं ठाकुर जी की आंखों में बिल्कुल चेंज आ गया है। और सेम हम ऐसे ही आईब्रो बनाएंगे, तो पतला पतला ब्रश लेना है, इसमें ब्रश आता है, ये देखिए इस पतले पतले ब्रश से ठाकुर जी के, ये देखिए ऐसे करना है, और सेम दूसरी साइड भी करना है, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए कृष्ण भक्त, तो ये हो गया। अब हम करेंगे इनके आई लैशेज यानी ऊपर का श्रृंगार, जो कि मैं पिंक करने वाली हूँ, और पिंक वाइट करेंगे ड्रेस के हिसाब से। ये ड्रेस मैंने अभी आपको बताई थी, अब देखिए। चलिए तो कृष्ण भक्त, तो ये ब्रश है, बहुत पतला ब्रश है, इससे अपन करेंगे, और कुमकुम बिंदी जो मैंने बताई उससे अपन करेंगे। पतला 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 करेंगे यहाँ से, ये देखिए कृष्ण भक्त, तो ये मैंने दोनों आंखों पे कर दिया है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए। अब हम पहले इनके लिप्स पे कर देते हैं, तो आपको एकदम से लगेगा कि हाँ एकदम लुक आ ही गया है। तो मैं लिप्स पे ज़्यादातर मेहरून कलर यूज़ करती हूँ, और वो मैं आपको बता दूँ, ये देखिए ये जो मैंने आपको बताया इससे अपन करेंगे, जो ये दूसरी कुमकुम बिंदी है, ये देखिए। इससे हमेशा ध्यान रखना लिप्स कैसे बनानी है, पहले ऊपर वाला होट है जैसे अपन लिपस्टिक लगाते हैं वैसे, ये एक ऊपर एक ऐसे और बाकी का नीचे, ये देखिए ऐसे पूरा लिपस्टिक भरना नहीं है उनके मुंह में, थोड़ा सा ऊपर जो अपन वी बनाते हैं जैसे आप सारी लेडीज़ यूज़ करते हैं, ऐसे प्यार से बनाना है, ये देखिए। तो ये देखिए पूरी लिपस्टिक ऐसे बन गई है प्रभु के, आप देख सकते हैं प्रॉपर। और हमेशा मुझे ये मेहरून कलर पसंद आता है, आप पिंक वगैरह भी कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे, ये देखिए। तो ये देखिए कृष्ण भक्त, अब हम वाइट से इनका श्रृंगार करेंगे पूरा। चलिए तो कृष्ण भक्त, ये है दूसरी कुमकुम बिंदी जो वाइट है, ये आपको कहीं भी कॉस्मेटिक शॉप पे मिल जाएगी, नहीं तो आपको हमारे यहाँ भी मिल जाएगी। ये देखिए इसको लेना है, ब्रश लेनी है, ये देखिए, और फिर इसको कैसे करना है, देखिए बहुत नॉर्मल बता रही हूँ। आप या तो यह लाइन कर सकते हैं या फिर आप डॉट्स कर सकते हैं,
कोई भी आप बना सकते हैं इसके ऊपर। कृष्ण भक्त तो ये देखिए ऐसे अपन ने ऊपर लाइन करी, आप ऊपर डॉट्स भी कर सकते हैं। अपन मुखारविंद का करेंगे, मुख पे करेंगे यानी यहाँ पे गाल पे, चीक्स पे। तो देखिए एक मैं आपको यहाँ बता देती हूँ ऐसे फेस करना, कैसे भी कर सकते हैं। मैं नॉर्मल एक डिज़ाइन बना रही हूँ, आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये मेरा डेली का फेवरेट वाला डिज़ाइन है, ये देखिए। ऐसे डॉट्स करके और सेम यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात है कि जो चीज़ अपन यूज़ कर रहे हैं वो ठाकुर जी के निकल जाएगा चेहरे से। बहुत से कृष्ण भक्त पेंट यूज़ करते हैं और फिर उसको रगड़ते रहते हैं नींबू से और पीताम्बरी से, इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसमें आपको नॉर्मल पानी से, नॉर्मल नैपकिन से ही रिमूव हो जाएगा और ठाकुर जी के श्रम नहीं पड़ता। ये वही चीज़ है जैसे पुरानी औरतें शादीशुदा जो होती हैं वो अपने बिंदी यूज़ करती थी। ये देखिए तो ऐसे हम प्रभु का श्रृंगार कर रहे हैं, बीच में ठाकुर जी के तिलक आएगा। तो देखिए कृष्ण भक्तों ये हमने साइड का कर दिया है और अभी मैंने माथे पे ये कर रही हूँ। ऐसे माथे पे टिक्की लगा सकते हैं या फिर माथे पे आप आपकी इच्छा अनुसार चंदन लगा सकते हैं प्रभु के। तो कृष्ण भक्तों देखिए ये पूरा मैंने मुखारविंद का श्रृंगार कर दिया है, बहुत नॉर्मल श्रृंगार किया है और आप हैवी भी कर सकते हैं ड्रेस के हिसाब से। जैसे कि मैंने ड्रेस ये बताई तो ये श्रृंगार किया है। पहले हम पोशाक धरा देते हैं और पूरा श्रृंगार धरा देते हैं, फिर देखते हैं हमारे प्रभु कैसे लग रहे हैं। ये तिलक किया है, बीच में आप जैसे कि बोला कि चंदन, लाल चंदन आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बिंदी लगाने वाली हूँ तो मैं बिंदी लगाऊंगी। और देखिए ये वाली बिंदी मैं लगाऊंगी, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए तो ये बीच में बिंदी मैं ये लगाऊंगी, देखिए इसलिए मैंने बीच में तिलक नहीं किया था। और इसके अलावा आप दूसरा तिलक भी लगा सकते हैं। चलिए तो ये पोशाक हम धरा देते हैं, ये देखिए। तो कृष्ण भक्त देखिए ये पोशाक मैं धरा रही हूँ और ये 7 नंबर के प्रभु हैं, अगर आपको नंबर नहीं पता है तो। ये देखिए तो ये ड्रेस हमने धरा दी है, बहुत सुंदर लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। देखिए देखिए अब इस पे हम पूरा श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार भी मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ, माला जी है और हर तरीके का श्रृंगार जो मैं आज करने वाली हूँ। श्रृंगार है, ये पगड़ी है, ये मैचिंग पगड़ी हम धराएंगे ठाकुर जी को। ये किलंगी है और ये माला जी है जो हम धारण करवाने वाले हैं, पिंक का श्रृंगार है। और टीका जो है हम प्रभु को लास्ट में लगाएंगे, पहले श्रृंगार हो जाए उसके बाद में। चलिए तो कृष्ण भक्तों सबसे पहले हम बंद गले की माला धराते हैं। जैसा कि मैंने हमेशा बोला है कोई भी श्रृंगार हो बंद गले की माला ज़रूर धराएं, इससे ठाकुर जी के जब भी छोकर धारण होता है तो उससे अलग ही रूप आ जाता है प्रभु का। और ये हम मैचिंग माला है, जरी की माला है जो हम धरा रहे हैं प्रभु को। देखिए ये हमने ठाकुर जी को धरा दिया। अब इस बार जोगन मीरा पे बहुत ही सुंदर सुंदर कड़े आए हैं, ये देख सकते हैं, हाँ पूरे वर्क हैं। और ये देखिए तो ये हम ठाकुर जी को धरा रहे हैं, अत्यधिक मनमोहक लग रहे हैं हमारे प्रभु। अभी पूरा चीज़ श्रृंगार भी बाकी है, ये देखिए। तो एक बार मैं चूड़ी दिखा देती हूँ, ये देखिए चूड़ी देख लीजिए, माला जी देख लीजिए, बंद गले का चोकर देख लीजिए प्रभु को। और ये प्रभु वैसे खंडपाठ पे विराजमान है। अब हम प्रभु के कर्णफूल धारण करवाएंगे, कर्णफूल यानी कान के, ये देखिए। तो ये प्रभु को हमने कर्णफूल भी धारण करवा दिए, ये आप देख सकते हैं। अब हम प्रभु को पगड़ी पहनाएंगे, तो पगड़ी है मेरे पास जैसा कि मैंने बताया ये, और ये देखिए तो आप देख सकते हैं हमारे प्रभु बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और दो चीज़ की कमी है प्रभु को, और वो क्या चीज़ है, एक तो है मोरपंख जो हमारे प्रभु को अत्यधिक प्रिय है और जो हम ऊपर पगड़ी पे लगाने वाले हैं ऐसे। तो कृष्ण भक्तों एक चीज़ तो मोरपंख हमने धरा दिया और एक है काला टीका, क्योंकि हमारे प्रभु तैयार हो चुके हैं, हमारे प्रभु तैयार हो चुके हैं। ये देखिए सुंदर सा काला टीका हम यहाँ लगाएंगे उनके थोड़ी पे, ये देखिए। तो आप देख रहे हैं हमने प्रभु का कितना सुंदर श्रृंगार किया है, और मैं आपको पूरा श्रृंगार दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो आप भी ऐसा मेकअप कर सकते हैं आप दिवाली पे, होली पे और कोई भी तीज त्यौहार हो, जैसे एकादशी तो हर महीने आती है और एकादशी पे हमेशा हम ठाकुर जी को भव्य ही श्रृंगार करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं सावन महीना और इस साल तो अधिक मास भी है, तो आप अधिक मास के दिन हमारे प्रभु को यानी गिरिराज जी, ठाकुर जी, राधा रानी, आप जिन्हें भी मानते हैं आप ऐसे श्रृंगार करके उनको तैयार कर सकते हैं। और ये चीज़ थी जिससे मैंने मेकअप किया था, ईजिली रिमूव हो जाता है, आपको अवेलेबल हो जाएगा, कुमकुम बिंदी बोलते हैं, आप कोई भी कॉस्मेटिक शॉप पे ले सकते हैं। कैसा लगा आपको ये श्रृंगार,
ज़रूर बताइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जो भी कृष्ण भक्त मेकअप करने में परेशानी आती है वो आसानी से मेकअप कर लें। जी हाँ, एक बात और, जब आप पूरा पूजा या सेवा कर लें उसके बाद ठाकुर जी को वापस कहिए कि प्रभु आप वापस अपने में समा जाइए, ये दो बातें ज़रूर ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।